राजीव, ये क्या बदतमीजी है? मैंने तुम्हें परसों बोला था कि बिजली और पानी का बिल भर देना। पानी का बिल तो भर दिया, लेकिन ये बिजली का बिल कौन भरेगा? राजीव, मैं बिजली का बिल भर रही थी, लेकिन उनका सर्वर डाउन था, इसलिए पेमेंट नहीं हो पाई। अरे उस टाइम पेमेंट नहीं हो पाई तो दोबारा ट्राई कर लेती। कल बिजली के बिल की लास्ट डेट थी। कोई भी काम तुमसे ढंग से नहीं होता है। लापरवाही की कोई हद होती है? लापरवाही? राजीव, मैं पूरे घर के काम अपनी पूरी जिम्मेदारी से करती हूँ। उसमें तो आपने कभी मेरी तारीफ नहीं की। अगर एक ये बिजली का बिल भरना मैं भूल गई तो आप मुझे चार बातें सुना रहे हो। भर दूंगी आज मैं ये बिल। रहने दो, वैसे भी इसकी लास्ट डेट निकल गई है, भर लूंगा मैं। अब पूरा दिन पता नहीं घर में बैठी रहती हो और कहती हो घर में बहुत काम होते हैं। क्या होते हैं घर में काम? क्या होते हैं घर के काम? राजीव, एक दिन मेरी जगह घर के काम करके देख लो। आपको ना नानी याद आ जाए ना तो फिर मुझे बताना आप। अरे जाओ यार, अब सुबह सुबह तुम्हारे मुंह कौन लगे। मेरी ऑफिस में इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग है और तुमने सुबह सुबह मेरा मूड ही खराब करके रख दिया है। तुम्हें पता है पूरा महीना ऑफिस जाके दिन रात एक करके तब मुझे 50,000 रुपये मिलते हैं, और उसी 50,000 रुपये से और मेरे काम करने से ये घर चलता है। तुम तो घर में वेली रहती हो। क्या मैं घर पर वेली रहती हूँ? माना राजीव, आप काम करके पैसे लेके आते हो, पर जितना योगदान आपका इस घर को चलाने में है ना, उतना ही योगदान मेरा भी है इस घर को चलाने में। अच्छा जी, आपका भी योगदान है इस घर को चलाने में? एक फूटी कोड़ी तो आप कमाती नहीं हो और कह रही हो मेरा भी योगदान है इस घर को चलाने में। ज्यादा से ज्यादा क्या करती हो? बच्चों को देख लेती हो, खाना पीना बना देती हो, बच्चों का होमवर्क करवा देती हो, बच्चों को स्कूल से ले आती हो, घर की सफाइयाँ कर लेती हो, कपड़े धो लेती हो। इन सब कामों में ना कोई काबिलियत नहीं चाहिए होती है। अच्छा राजीव, इसमें कोई काबिलियत नहीं होती? मैं सुबह जल्दी उठती हूँ, बच्चों को स्कूल भेजती हूँ, आपको ऑफिस भेजती हूँ, पूरे घर की सफाइयाँ करती हूँ, कपड़े धोती हूँ, खाना बनाती हूँ, बच्चों को स्कूल से लेके आती हूँ, यहाँ तक कि बच्चों का होमवर्क भी कराती हूँ। इसमें कोई काबिलियत नहीं है? आपकी नज़र में तो वही काबिलियत है जो बाहर जाके नौकरी करके पैसे कमाता है। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ मैं। घर से बाहर निकलकर काम करना काबिलियत कहलाता है, क्योंकि इसमें दिमाग चाहिए होता है और घर को मैनेज करने के लिए कोई दिमाग नहीं चाहिए होता है। घर में रहने वाली औरतें तो बस फालतू में बातें बनाती रहती हैं और कहती हैं घर को चलाने में हम औरतों का बड़ा योगदान होता है। कोई योगदान नहीं होता तुम घर में रहने वाली औरतों का घर को चलाने में। क्या कह रहे हो? घर में रहने वाली औरतों का घर चलाने में कोई योगदान नहीं होता? चलो आज मैं आपकी ये गलत फहमी को भी दूर कर देती हूँ। आप महीने का कितना कमाते हो? 50,000 रुपये। लेकिन मैं बताती हूँ आपको कि मैं घर में रह के और घर के सारे काम करके कितना कमा लेती हूँ। झाड़ू पोछा बर्तन के हो गए 5,000 रुपये, कपड़े धोने वाली के हो गए पूरे 5,000 रुपये, कपड़े प्रेस के 3,000 रुपये, खाना बनाने के 8,000 रुपये, और हम बच्चों को ट्यूशन पढ़ने के लिए शायद बाहर नहीं भेजते हैं, उनको ट्यूशन भी मैं ही पढ़ाती हूँ, तो उसके कितने हो गए 5,000 रुपये। और अभी तो मैं घर के छोटे मोटे काम तो गिनवा नहीं रही हूँ जो मैं घर में रह के करती हूँ। अगर मैं ये छोटे मोटे घर के काम भी आपको गिनवाने पे आई ना, तो आपके महीने भर की सैलरी कम पड़ जाएगी। राजीव, हमने ये सारे घर के काम के लिए कोई मेड नहीं रखी है। ये सारे घर के काम मैं अकेली खुद करती हूँ। वो इसलिए करती हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि छोटी मोटी सेविंग हो जाए। अब बताओ, हम औरतों का घर चलाने में योगदान होता है या नहीं होता? डॉली, तुम कोई अनोखी नहीं हो जो घर के काम कर रही हो। घर में रहने वाली सारी औरतें घर के काम करती हैं। अब तुम मुझे अपने काम गिनवाओगी क्या? आप मुझे गलत समझ रहे हो। मैं कोई अपने काम नहीं गिनवा रही हूँ। मैं तो सिर्फ आपको इतना बताना चाहती हूँ, अगर एक घर को चलाने में आदमी की कमाई शामिल होती है ना, उसी घर को चलाने में एक औरत की मेहनत और इमोशन शामिल होते हैं। राजीव, शायद आपको आइडिया भी नहीं है, अगर मैं ये सारे घर के काम करने छोड़ दूँ ना, तो आपकी सैलरी 10 दिनों में ही खत्म हो जाएगी और हमारे घर के खर्चे निकलने मुश्किल हो जाएंगे। माना राजीव, मैं बाहर नौकरी करके पैसे नहीं कमा के ला पाती हूँ, लेकिन मैं ये सारे घर के काम करके एक तरीके की सेविंग ही करती हूँ। इसको भी राजीव एक औरत की काबिलियत ही कहते हैं। अब आप बताओ, हम घर में रहने वाली औरतों के अंदर काबिलियत होती है या नहीं होती है? बस राजीव, दुख तो इस बात का है कि आपको अपनी मेहनत तो दिखाई देती है, लेकिन मेरी मेहनत आपको बिल्कुल भी दिखाई नहीं देती। राजीव, एक बात बताओ, आपको नौकरी करने के पैसे भी मिलते हैं और छुट्टियां भी मिलती हैं, लेकिन मुझे ना कोई छुट्टी मिलती है और ना मेरे काम करने के कोई मुझे पैसे मिलते हैं।
और तो और तुम जैसे आदमियों से हम औरतों को क्या सुनने को मिलता है कि तुम औरतें घर में रह के पूरे दिन करती क्या हो। अरे तुम जैसे लोग हम घर में रहने वाली औरतों की तारीफ नहीं कर सकते, तो कम से कम हमें ये भी ना कहा करो कि हम घर में रहने वाली औरतों के अंदर कोई काबिलियत ही नहीं है। डॉली, पता नहीं क्यों इस छोटी सी बात को समझने में मुझे इतने साल लग गए। आप बिल्कुल ठीक कह रही हो, एक घर को चलाने में जितना योगदान एक आदमी का होता है उतना ही योगदान एक औरत का भी होता है।